नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम पे इंदिरा गांधी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इस एयरपोर्ट में एंट्री से लेके दूसरे एयरपोर्ट पे जो उतरते हैं, जहाँ पे आप लैंड करेंगे वहाँ पे एग्जिट करने तक, वो सारे स्टेप्स बताऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से नई दिल्ली से मुंबई ऑन एन एयर इंडिया फ्लाइट। और आप लोगों को बता दूं कि एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा की डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होती है वो टर्मिनल 3 से ही जाती है। तो अगर आपके पास बैगेज है जो काफ़ी भारी है या फिर बैग्स मतलब काफ़ी बड़े हैं जिसको कैरी करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रॉली मिलता है जिसमें अपना बैग रख के आराम से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको करनी होती है दोस्तों एंट्री एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पे एंट्री करने के लिए कई सारे गेट्स बने होते हैं। यहाँ पे आपको गेट नंबर वाइज गेट दिखेंगे, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री गेट पे जो है आपको CISF स्टाफ आपका टिकट और एक ID प्रूफ चेक करेगा, कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ दे सकते हैं। चलते हैं, एंट्री करते हैं दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर और आगे के स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंट्री जब हो जाएगी इस गेट से तो एंट्री करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स लगे होते हैं। हर गेट, जिस भी गेट से आप एंट्री करेंगे उसके सामने एक स्क्रीन लगा होगा, उस पर आपकी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी फ़्लाइट का जो चेक इन काउंटर है वो कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक इन काउंटर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकली मैंशनड है चेक इन काउंटर। जैसे आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर ABCD, यहाँ तक मुझे JKL तक दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है आपकी फ़्लाइट जो है उसका चेक इन कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको चेक इन वाला बैगेज डालना है और बोर्डिंग पास लेना है, तो इसमें क्लियरली आपको मेंशन होगा। तो दोस्तों मेरी फ़्लाइट का जो चेक इन काउंटर है वो है काउंटर E। अब मैं आपको चेक इन काउंटर पर ले चलूँगा और वहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना होता है। मुंबई ID भी चाहिए आपको? हाँ जी दोस्तों, चेक इन काउंटर पे जो है आपको अपने टिकट की कॉपी और ID प्रूफ दोबारा से शो करना होता है। और यहाँ पे जो है आप अपना वो बैगेज जो एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं ले जा सकते, जिसको चेक इन बैगेज बोलते हैं, वो यहाँ पे सबमिट करना होता है। विंडो सीट अगर हो सके तो प्लीज दे दीजिए। दोस्तों अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आप चेक इन काउंटर पे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सीट नंबर जो है यहीं पे असाइन होता है। एक ही है? नहीं, ये तो दे लीजिए, इसको देना है दूसरा। नहीं, लैपटॉप भी है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसको आप डाल ही दो। थैंक यू। दोस्तों चेक इन बैगेज में जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि कैमरा, फोन, पावर बैंक वगैरह वगैरह। ठीक। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो हैंडबैग आप एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी करेंगे उसकी जो लिमिट होती है 7 kg की होती है, 7 kg से ऊपर नहीं हो सकता। और एयरलाइन स्टाफ जो है आपके हैंडबैग का भी वेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक।
दोस्तों चेक इन काउंटर पे जो है आपको बोर्डिंग पास मिलता है, जिसमें आपका सीट नंबर और कौन से गेट से बोर्डिंग होगी वो क्लियरली मेंशन होता है। कुछ इस टाइप का दिखता है आपका बोर्डिंग पास। और यहाँ पे जो है आपको जो बैगेज होता है आपका, जो वो बैग जिसको आप एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं ले जा सकते, वो यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है, जो कि लगेज वाले सेक्शन में एयरपोर्ट मतलब एयरक्राफ्ट में जाता है। और सीधे आपको जो है जब आप लैंड करेंगे तो वहाँ पे आपको वो बैगेज मिलेगा। एक चीज़ बता दूँ आप लोगों दोस्तों कि यहाँ पे जो बैगेज का जो वेट है, एक स्पेसिफिक वेट होता है डिपेंडिंग अपॉन एयरलाइन। जैसे कि एयर इंडिया में आपको 25 केजी तक का आप चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं, जिसका कि वजन अप टू 25 केजी हो सकता है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट में दूसरी एयरक्राफ्ट में होती है, जैसे कि विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया, या फिर और दूसरी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसमें सिर्फ 15 केजी ही आपको अलाउड होता है। तो ये चीज़ आपको चेक करना ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली ट्रैवल। तो दोस्तों चेक इन के बाद जो अगला स्टेप होता है आपका सिक्योरिटी चेक होता है। आपको एक बार बोर्डिंग पास मिल गया, आपने अपना लगेज सबमिट कर दिया, उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको सिक्योरिटी चेक में जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर्स, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया तो आपको इस गेट के थ्रू जाना है सिक्योरिटी चेक में। इसी तरह दूसरे साइड में जो है आपको इंटरनेशनल डिपार्चर्स का भी सेक्शन होता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू जो है आप वहाँ से एंट्री लेंगे। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो ट्रॉली है, ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के आगे जो है आप ट्रॉली लेके नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ट्रॉली आपको यहीं रखनी होती है, और जो भी आपका चेक इन बैगेज है, छोटा बैग वगैरह जो भी, उसके बाद आप अपने हाथ में ही कैरी करके ले जाना है। एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है कि आप चेक इन जो बैगेज जो अपने साथ एयरक्राफ्ट में लेके जा रहे हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है, जैसे लिक्विड अबव 100 ml, 100 ml से ऊपर का कोई भी लिक्विड आइटम जो है आप चेक इन बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं। इनफ्लेमेबल और शार्प ऑब्जेक्ट्स है, स्पाइसेस रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप चेक इन बैगेज में आप नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए आपके पास कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ डस्टबिन दिया हुआ है, तो अगर कोई सामान जो है आपके पास रह गया है गलती से लेकर आ गए तो आप इसमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखा नहीं पाऊँगा कि सिक्योरिटी चेक में क्या क्या होता है, बट एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक जो है हमारा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कैमरा जो है अलाउड नहीं था, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिक्योरिटी चेक में होता क्या। सिक्योरिटी चेक में जो होता है आपका जो भी एक एक सामान जो आप जो मतलब कैरी कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में, आपका जो चेक इन बैगेज है, जो भी आपका सामान है उसमें, वो सारा सामान जो है आपको ट्रे में रख के स्कैन करना होता है। वहाँ से स्कैन होता है, सिक्योरिटी चेक होता है पूरा सामान, और उसके पास जो है आपका सिक्योरिटी चेक जो है कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि सिक्योरिटी चेक में जो है आपको टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो करीब 3 घंटा, मिनिमम 3 घंटा लेके चलिए। बिकॉज स्पेशली जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, होता ये है कि यहाँ पर काफ़ी रश हो जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से जो है सिक्योरिटी चेक या फिर मतलब एंट्री गेट पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल अभी सिक्योरिटी चेक ऑलमोस्ट आधा घंटा मुझे लग गया, आधा घंटा से ज़्यादा ही लगा। तो अगर आप टाइम लेके नहीं आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में आपकी फ़्लाइट भी छूट सकती है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करनी हो सकती है। तो जब भी आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 3 घंटा पहले आएँ। सिक्योरिटी चेक के बाद दोस्तों आपको जो एक ये सिक्योरिटी चेक से जैसे ही एंट्री करेंगे आपको एक ये एरिया मिलेगा, काफ़ी मतलब बहुत बड़ा स्पेशियस एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, फ्लाइट में भी टाइम है, डिपार्चर में टाइम है 2 घंटे, तो यहाँ पे जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, बैग्स ले सकते हैं, आप देख सकते हैं फार्मेसी भी है यहाँ पे, खाने के आउटलेट्स भी हैं यहाँ से, बीकानेर वाला है पीछे, यहाँ से आप मिठाइयाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ आपको एक छोटा सा एक मॉल जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे।
दोस्तों जब आप इस शॉपिंग एरिया से ऊपर की तरफ जाएंगे एस्केलेटर से, तो आपको मिलेगा एक छोटा सा फूड कोर्ट। दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, बगल में आप देखेंगे तो KFC जो है अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन होने वाला है बहुत ही जल्दी। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑप्शंस आपको खाने के यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और चीज बता दूं दोस्तों कि आप अगर यहाँ पे खाना खाते हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है, बिकॉज एयरपोर्ट पे जो प्राइसेस होते हैं बाहर के प्राइसेस से सेम ही आउटलेट पे ज्यादा होते हैं। दोस्तों फूड कोर्ट के अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जैसे लाउंजेस भी हैं, वहाँ पे लाउंज में भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं। स्पेशली जैसे कि ये प्लाजा प्रीमियम लाउंज है, आगे आप सामने देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई कार्ड है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिस पे मतलब फ्री एक्सेस है, तो आप उसको यूज़ करके जो खाना भी खा सकते हैं। दोस्तों कई सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पे जो है एयरलाइन के लाउंज का एक्सेस जो है ऑलमोस्ट फ्री होता है, तो अगर आपके पास भी कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिसपे कि आपको लाउंज का एक्सेस मिला हुआ है, तो आप उस पे 2 से 25 रुपए तक पे करके जो है इस लाउंज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको लाउंज के अंदर जो है अनलिमिटेड बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कब आप लाउंज एक्सेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने अगर यहाँ पे शॉपिंग कर ली है, ऊपर फूड कोर्ट में खाना खा लिया है, फिर लाउंज में बैठ के खाना खा लिया है, तो अब आप जो टाइम होता है वो होता है बोर्डिंग गेट्स पे जाने का। उससे पहले आपको करना ये है कि आपको बोर्डिंग पास जो है चेक करना है, उसमें आपका बोर्डिंग गेट मेंशन होता है कि कौन से बोर्डिंग गेट से आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। तो अब जो है दोस्तों हम चलेंगे बोर्डिंग गेट्स की तरफ। आगे सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेंशन है बोर्डिंग गेट्स इस साइड है, तो इस साइड हम चलते हैं, देखते हैं बोर्डिंग गेट्स और आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या क्या और करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जगह जगह जो है आपको स्क्रीन्स होंगी जहाँ पे आपको फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन वगैरह जो है आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड में जो है द सेलर है, यहाँ पे अगर आपको लेकर वगैरह की शॉपिंग करनी है तो वो कर सकते हैं आप। शॉपिंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेंशन है बोर्डिंग गेट्स 27 to 62। आगे आप देखेंगे क्लियरली मेंशन है अगर आपका बोर्डिंग गेट 27 से 36 के बीच में है तो आपको जाना है राइट, और अगर आपका बोर्डिंग गेट है 37 to 62 तो आपको जाना है लेफ्ट साइड। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपके मन में बोर्डिंग से रिलेटेड, तो आप जो है इस इंफॉर्मेशन काउंटर जो है यहाँ से आप पूछ सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपका बोर्डिंग गेट एकदम एंड में हो, तो काफ़ी जो है आपको चलना पड़ सकता है, जस्ट इन केस आपको चलने में प्रॉब्लम है, फिर आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं साइड में गाड़ी है, इसको भी यूज़ करके आप बोर्डिंग गेट पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ट्रैवलेटर की भी सुविधा दी हुई है, इन केस अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है, फिर काफ़ी दूर है, तो
तो आप इस ट्रैवलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपको बस खड़े हो जाना है और आपको ये मूव करेगा आगे की तरफ, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। मेरा जो बोर्डिंग गेट है लकीली 29 भी है, तो मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। बट ऐसा हो सकता है कि आपका बोर्डिंग गेट जो है बहुत पीछे हो, तो आपका इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको मतलब बोर्डिंग से पहले जो है, जस्ट इन केस आपका बोर्डिंग टाइम लेट से 6 बजे है, तो आप कोशिश कीजिए कि 6 बजे वहाँ से एटलीस्ट जो है शॉपिंग वाला जो सेक्शन है वहाँ से आप चल दें बोर्डिंग गेट की तरफ, ताकि आपको लेट ना हो। Thank you for waiting. Now this is the final call announcement for India's Airlines flight AI-402 Kolkata. दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने बोर्डिंग गेट पे 29B। आप देख सकते हैं यहाँ से एग्जैक्टली आपको जो है एंट्री मिलती है एयरक्राफ्ट के अंदर इस गेट के थ्रू, और यहाँ पे आपका जो है बोर्डिंग पास चेक होता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में एंट्री से जस्ट पहले एक बार फिर से जो है आपका बोर्डिंग पास जो है चेक होता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में एंट्री के बाद आप देखेंगे कि दोनों साइड्स जो है सीट्स होती है, और ऊपर में जो होता है वो लगेज का सेक्शन होता है जिसमें आप अपना हैंड बैगेज जो है रख सकते हैं। लगेज के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो हर सीट रो के ऊपर जो है सीट नंबर जो है मेंशन्ड होते हैं। आप अपना सीट नंबर जो है वहां से चेक करके अपने सीट पे बैठ सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था। और यहाँ पहुंचने के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है आपका चेक इन बैगेज कलेक्ट करना। अब लोग देख सकते हैं जो साइड में है, ये इन्हें कहते हैं बैगेज बेल्ट्स, इसी पे जो है आपका बैगेज आता है। और जब भी फ्लाइट लैंड करती है तो अनाउंसमेंट हो जाती है, वो बता दिया जाता है कि कौन से जो है बेल्ट नंबर पर आपका बैगेज आएगा। तो हमारे केस में हमारा जो बैगेज बेल्ट है वो 14 नंबर बेल्ट पे आ रहा है। आप देख सकते हैं 14 नंबर है, इसी बैगेज बेल्ट पे हमारा बैगेज आएगा। तो दोस्तों बैगेज बेल्ट के आसपास भी आपको जो है ये जो ट्रॉलीज है वो मिल जाएंगी, जिसको आप ले सकते हैं अपना बैग रख के, उसके बाद जो है बाहर एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना बैगेज जो है कलेक्ट कर लिया है, तो आप लोगों को बता दूं कि बैगेज कलेक्शन जो होता है, एक बार जब अपना चेक इन बैगेज आप कलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी हवाई यात्रा जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है आप एग्ज़िट करके जो भी ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस वगैरह जिससे भी हो, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।